हाय, गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही सब लोगों को मेरी? मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया, एक बार आप लोग प्लीज कंफर्म कीजिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सब लोगों को? ओके, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 14 चल रहा है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली हम लोग जो है ना अभी तक 85% इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। मात्र 15% और रिमेनिंग बचा हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक पैटर्न्स है, जो कि अभी हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे उसको सीखना। आज जो भी लोग फर्स्ट डे हैं इस क्लास में, हो सकता है आपको कोई भी चीज़ें समझ में ना आए, कुछ समझ ही ना आए, क्योंकि आपको 100% कुछ समझ में नहीं आएगा जो भी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। बट जो लोग इसको स्टार्टिंग से अभी तक अटेंड करते हुए आ रहे हैं, उनको वो सारी चीज़ें रिलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसके बाद मैं अगेन न्यू बैच स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पर आप वापस से सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है? तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा एक बार हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें और अच्छे से समझ लेंगे। तो जब हमने इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट किया था, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 14 को, तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक सीख ली है, ठीक है? क्या क्या हमने सीखा? हमने सीखा है टेक्निकल एनालिसिस। हमने एग्जैक्टली ये चीज़ पॉइंट आउट किया कि हम किस तरीके से मार्केट में एनालिसिस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसको फॉलो करके हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस किया था। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। हमने सीखा था क्या कि पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, कैसे हम पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। फिर हमने सीखा ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, मल्टी टाइम फ्रेम पे किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, कैसे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, उसके बारे में हमने बात किया। फिर सप्लाई एंड डिमांड के बारे में हम लोग सीखे थे। तो ये सब टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया, जो फर्स्ट डे है उनको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। तो अगेन जब मैं इसके बाद न्यू बैच स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे वो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? फिर हमने बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स भी सीखा, कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का कैसे पहचाने, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फिर एडवांस कैंडल स्टिक्स, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सब क्या, ये सब हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आफ्टर डेट फिर हमने स्टार्ट करा क्या, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने ये सब लेक्चर्स नहीं देखा तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ तभी वो चीज़ें समझ में आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मुझे तो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखना, मुझे तो लाइव में ही देखना है। तो अब अगर आपको इसी तरीके से लाइव में ही वापस सारी चीज़ें सीखना है तो उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। फिर मैं न्यू बैच स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं फिर जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? फिर अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होते हैं। फिबोनाची ट्रेडिंग है, मैंने आप लोगों को तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बताया था। पहला 0.5 से लेकर 0.618, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप लोगों को याद होगा, इसको हम बोलते हैं गोल्डन जोन। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था 0.88 का लेवल, ठीक है? देन लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था फ्राइडे के दिन, क्या सीखा हमने, या थर्सडे का जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सीखा था 1.618 के लेवल का इंपॉर्टेंस, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हार्मोनिक ट्रेडिंग, देखेंगे कि हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है और उसके बाद हार्मोनिक ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये लेवल्स कैसे यूज़ होते हैं हार्मोनिक के पैटर्न्स में, उसके बारे में मैं भी आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको सीखने में आपको टाइम लगेगा। बट जब आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे तो इसके अलावा फिर आपको दूसरा कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए सफिशियंट होगा ट्रेड करने के लिए मार्केट में, ओके? तो इसके लिए बस आपको थोड़ा वेट करना है, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग। बट हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग मुझे ये चीज़ क्लियर कर दो कि अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया ये सब लोगों को क्लियर है, यस और नो, प्लीज़ कन्फर्म कीजिए। ठीक है, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है? इसमें किसी का कोई डाउट? हाई और लो का ही डाउट है थोड़ा सा। हायर लो, लोअर लो सब ऑलरेडी मैंने बता रखा है। हाँ
आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखो, ट्रेंड वाला वीडियो देखो आप, ट्रेंड एंड इट्स टाइप्स में, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हाईर लो कैसे मार्क करते हैं, कैसे हम समझते हैं, वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हार्मोनिक ट्रेडिंग लिखा हुआ है, तो नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठना, और जो भी चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना, और जो भी आपके डाउट होंगे उसको हम लोग लास्ट में क्लियर भी करेंगे, ओके। अब देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या मेंशन है, हार्मोनिक पैटर्न्स, ठीक है। अब हार्मोनिक पैटर्न्स क्या है, इज़ लाइक चार्ट पैटर्न। तो हार्मोनिक के जो पैटर्न्स होते हैं ना वो एक चार्ट पैटर्न की तरह ही होते हैं, ठीक है। जो एक नॉर्मल सा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम इसको बोल सकते हैं, तो एक नॉर्मल सा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसको हम यूज़ करते हैं लाइव मार्केट में, ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि फ्यूचर में प्राइस का मूवमेंट डाउन साइड का होने वाला है या फिर अप साइड का होने वाला है। हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं हार्मोनिक के पैटर्न्स को यूज़ करके कि फ्यूचर में, देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है क्या है, हार्मोनिक पैटर्न्स हेल्प्स टू प्रिडिक्ट और एनालिसिस द मार्केट ऑफ फ्यूचर मोमेंटम और ट्रेंड। तो हार्मोनिक के पैटर्न्स को यूज़ करके हम फ्यूचर का ट्रेंड पता कर सकते हैं या फ्यूचर का मोमेंटम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट का क्या ट्रेंड होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। या अगर कोई ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये ट्रेंड एग्जैक्टली कब तक चलेगा, और उतना दूर तक जाने के बाद फिर मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा। अब ये ट्रेंड क्या होता है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखा है पास्ट के लेक्चर्स में, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया क्या कि हार्मोनिक पैटर्न्स क्या है, एक नॉर्मल सा चार्ट पैटर्न्स है, ठीक है, एक नॉर्मल सा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो कि चार्ट पैटर्न बनाता है और उसको मार्केट फॉलो करता है, ठीक है। और हार्मोनिक पैटर्न्स का यूज़ क्या है, ये आपको हेल्प करता है फ्यूचर के प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करने में कि आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हो कि फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, दे क्रिएट ज्योमेट्रिक प्राइस पैटर्न बाय यूजिंग फिबोनाची नंबर्स, ठीक है। तो ये जो हार्मोनिक के पैटर्न्स बनेंगे ना, ये बनेंगे फिबोनाची नंबर्स के बेस्ड पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट होते हैं फिबोनाची के नंबर्स पे, फिबोनाची के रेशियोज़ पे। अब फिबोनाची का नंबर्स, फिबोनाची के रेशियोज़ क्या क्या होते हैं वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, 80.38 है, 0.5 है, 0.618 है, 0.78 है, 0.88 है, 1.13, 1.414, 1.618, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये सारे लेवल्स को हम यूज़ करके क्या करते हैं, हार्मोनिक के पैटर्न्स को ड्रॉ करते हैं। अब जैसे वो एक बार ड्रॉ हो जाता है तो फिर वहाँ पे हमारे को एंट्री पॉइंट भी मिलता है, एग्जिट पॉइंट भी मिलता है, स्टॉप लॉस पॉइंट भी मिलता है। अब वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे पूरे डिटेल में विथ एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब हार्मोनिक पैटर्न्स को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी हार्मोनिक पैटर्न्स क्रिएट अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, अभी मैं आपको टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, तो जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक अपना पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्रिएट करते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी आर जेड का मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होंगे वो सारे के सारे हार्मोनिक पैटर्न्स ये जोन को क्रिएट करते हैं, ओके। तो ये टर्म हमारे सारे पैटर्न्स में यूज होने वाले, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखना, पी आर जेड का मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब ये जोन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विद द हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस, ठीक है। क्या हो सकता है, मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा, अब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर यहाँ पे हमारा कोई भी पी आर जेड जोन क्रिएट होता है, अब अगर यहाँ पे हमारा कोई भी पी आर जेड जोन क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है इस पी आर जेड जोन के अंदर, तो ये क्या है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यहाँ से मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो मार्केट क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, इसका रिवर्सल क्या होगा, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। तो जब आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो वहाँ पे फिर आप क्या करोगे, ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हो। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ है, अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हमारा कोई पी आर जेड जोन क्रिएट हो रहा है, इट मीन्स कि अब अगर मार्केट इस जोन के अंदर जाएगा तो ये क्या है, एक पी आर जेड जोन है,
और पीआरजेड का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, रिवर्सल ध्यान रखना है, रिवर्सल जोन है। तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो इसका रिवर्सल ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा एक नॉर्मल सा रिवर्सल जोन होगा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीआरजेड बोलते हैं, और ये सारे के सारे पैटर्न्स में हमारे यूज होने वाले हैं। अब वो कैसे यूज होंगे उसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हार्मोनिक पैटर्न्स फिबोनाची के नंबर्स पे बेस्ड होता है, फिबोनाची के रेशियोज पे बेस्ड होता है, उसको फॉलो करके वो हार्मोनिक के पैटर्न्स को ड्रॉ करता है। उसके बाद ड्रॉ करने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे एक जोन बनाता है जिस जोन को बोलते हैं पीआरजेड, और पीआरजेड का मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। ओके, अब इसका हम लोग एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। देखो मैं आपको टोटल यहाँ पे 7 हार्मोनिक पैटर्न्स बताऊंगा, बैट, गाटली, उसके बाद यहाँ पे क्या है, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, शार्क। ये 7 हार्मोनिक पैटर्न्स मैं आपको एक एक दिन में क्लियर करूंगा, क्योंकि सारे पैटर्न्स एक दिन में क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिन में सिर्फ एक पैटर्न्स को सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, उसके जो भी डाउट्स होंगे उस डाउट को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ सीखने वाले हैं बैट पैटर्न्स के बारे में, ठीक है, कौन से पैटर्न के बारे में, बैट पैटर्न के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग सीखेंगे गाटली, फिर सीखेंगे साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, शार्क। तो ये 7 दिन और हमारा लेक्चर चलेगा, ठीक है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, बैट पैटर्न, समझेंगे बैट पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे इसमें हम ट्रेड में एंट्री करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, क्या स्टॉप लॉस होता है, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट हार्मोनिक के बैट पैटर्न को सीखने से पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि हार्मोनिक पैटर्न्स क्या है एग्जैक्टली, और ये किस पे बेस्ड होता है, और इसमें कौन सा जोन बनता है। ये 2-3 पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को, यस और नो, प्लीज़ कन्फर्म कीजिए। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ और डायरेक्टली मैं आप लोगों को यहाँ से अब स्टार्ट करता हूँ हार्मोनिक पैटर्न्स से। सबसे पहला जो पैटर्न है बैट, वो सिखाना, ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब ये क्या है, बैट पैटर्न के रूल है। अब बैट पैटर्न के रूल है, इसका मतलब क्या है कि एक्स से हमारा इम्पल्स लेग होगा, ए बी हमारा 38 से 50 होना चाहिए, बी सी 38 से 88 होना चाहिए, सी डी हमारा 88 होना चाहिए, फिर हमारा डी पॉइंट पे एंट्री होगा, स्टॉप लॉस हमारा डी के नीचे होगा, टारगेट पहला होगा हमारा पॉइंट बी, दूसरा टारगेट होगा पॉइंट सी। अब इसको मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार रफली समझाता हूँ, रफली समझाने के बाद फिर मैं आपको इसका एग्जांपल्स चार्ट पे दिखाऊंगा। तो जब आप इसका एग्जांपल चार्ट पे देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट पहले मैं आपको एक बार रफली समझा देता हूँ, तभी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना ये किस तरीके से काम करता है और कैसे ये हमारा चलता है। जस्ट मैंने वो रूल्स को यहाँ पे कॉपी कर लिया, अब आपको यहाँ पे रूल्स दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या रूल है, ध्यान से समझना, अब यहाँ पे आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे फर्स्ट रूल आप यहाँ पे रीड करो, क्या है, एक्से, एक्से हमारा क्या होगा, इम्पल्स लेग। इसका मतलब होता है कि मार्केट में सबसे पहले आपको एक इम्पल्स लेग को फाइंड आउट करना है। अब इम्पल्स लेग का क्या मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 ये यहाँ तक पहुँचा, अब यहाँ पर जाने के बाद अब ये यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब मार्केट का कंडीशन इतना होगा तो यहाँ पे आपको इम्पल्स लेग, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे कि इम्पल्स लेग जो है ना हमारा वो ये वाला पॉइंट है, और ये जो है ना वो क्या है, रिट्रेसमेंट है। तो जो भी हमारा एक्स इम्पल्स लेग है हम उसको यहाँ पे नाम दे देते हैं, तो मैं नाम दे देता हूँ ये हमारा एक्स का पॉइंट है और ये हमारा क्या है, ए का पॉइंट है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि एक्स ए, तो आपका ध्यान किस पे जाएगा, ये वाले लेग पे जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूँ इम्पल्स, तो आपका ध्यान तो भी आपका क्या होगा, इसी लेग पे जाना चाहिए, ठीक है। तो इम्पल्स और एक्स ए, इम्पल्स लेग को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स ए बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो जब से सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि जो भी आपका लो पॉइंट है आप उसको मार्क कर दो, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है, ये तो आपको करना ही करना है एनी हाउ, ठीक है। हम इसको मार्क कर दिया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपने लो पॉइंट को मार्क किया और अपने हाई पॉइंट को मार्क किया, और इसका हमने नाम दिया एक्स ए, और एक्स ए को ही हम बोलते हैं इम्पल्स लेग। ये क्लियर हो गया, एक्स ए कम्प्लीट। अब ऊपर से हमारा क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ए बी हमारा कितना होना चाहिए। अब दूसरा यहाँ पे रूल मेंशन है कि ए बी जो होना चाहिए ना वो मिनिमम 38 से लेकर 50 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। इट मीन्स ये जो हमारा एक्स ए है इसका जो नीचे की साइड रिट्रेसमेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा एक्स ए ऑलरेडी इम्पल्स है, और इम्पल्स के बाद हमारा क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है। तो ये जो हमारा ए बी, यहाँ पे देखो ए बी जो आपका रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 होना चाहिए
और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ए बी हमारा कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। कौन से इम्पल्स का, एक्स ए इम्पल्स का। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फिबोनाची रेट्रेसमेंट के टूल का। तो जब कभी भी आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे लगाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा फिब रेट्रेसमेंट का टूल। अब आपको लगाना कि इसमें है एक्स ए में, क्योंकि आपको एक्स ए इम्पल्स का रेट्रेसमेंट चेक करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्स से लेकर ए तक मैं फिबोनाची को लगाऊंगा। अब यहाँ पे जब मैंने फिबोनाची लगा दिया तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको 38 का लेवल अभी दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक बार 38 के लेवल को ऑन कर देता हूँ, 0.38 मैंने इसको ऑन कर दिया और यहाँ से मैं ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम बोलता है 38 और मैक्सिमम बोलता है 50। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स से हमारा इम्पल्स ले गए तो जो ए बी होगा ना, वो मिनिमम जो ए बी होगा वो मिनिमम इस लेवल को तो टच करना ही चाहिए, जो कि हमारा 0.38 का लेवल है। अगर मार्केट इसको टच करके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो हमारा बैट पैटर्न का दूसरा रूल है ये वाला, ये हमारा यहाँ पे फुलफिल होगा। अब जब हमारा दूसरा रूल फुलफिल हो जाएगा तब हम फिर तीसरे रूल के लिए बैठेंगे। अब अगर हमारा दूसरा रूल फुलफिल हो ही नहीं रहा तो हम तीसरे रूल के लिए बैठेंगे ही नहीं वहाँ पे, फिर हम दूसरे पैटर्न्स को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक्स ए कम्प्लीट हो गया, उसके बाद हमारा ए बी। अब ए बी मिनिमम होता है 38 और मैक्सिमम 50, तो कभी कभी मार्केट 0.38 से रिवर्स होगा या कभी इसके बीच से रिवर्स होगा या कभी 0.5 के लेवल को प्रॉपर टच करके फिर ऊपर की साइड रिवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इम्पल्स लेग कौन सा होता है और ए बी लेग कौन सा होता है। अब ए बी हमारा कौन सा है, ये वाला है, जो कि मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को जो है ना ये 50% तक का रिट्रेसमेंट है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो एक्स से हमारा इम्पल्स लेग ऑलरेडी कम्प्लीट, ए बी जो कि मिनिमम 38 से 50 होना चाहिए, ये हमारा क्या है, ए बी पॉइंट, ये भी हमारा ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये हमारा 50% के लेवल से टच करके ऊपर की तरफ गया है। अब जब हमारा ए बी कम्प्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा क्या है, बी सी। अब बी सी कितना होना चाहिए, ध्यान से समझना, बी सी आपका बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए। कौन से इम्पल्स का, ए बी इम्पल्स का। अब हम यहाँ पे ए बी ढूंढेंगे, कौन सा है, ये हमारा ए बी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस ए बी में फिबोनाची लगाएंगे। ठीक है, तो अब ए बी में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टॉप से बॉटम पे फिबोनाची को लगाएंगे। अब इसका क्या मतलब होता है, ये मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए, 0.38। इट मीन्स कि ये जो 0.38 का लेवल है इसको भी टच करके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, तो भी ये वाला पैटर्न हमारा वैलिड होगा। और यानी तो पूरा ऊपर की तरफ जाता है और 0.88 के लेवल को टच करता है, फिर यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो भी ये वाला पैटर्न हमारे लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। तो ये कहीं से भी आए, 0.38 से है या 0.88 से है, ये पैटर्न हमारा यहाँ पे वैलिड रहेगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा बना वो क्या बना, बी सी बना। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा एक्स ए ऑलरेडी कम्प्लीट है, ए बी ऑलरेडी कम्प्लीट है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो है ना 88 के लेवल से टच हो गया, फिर नीचे की तरफ रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा 88 है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो 0.88, ये क्या है, ये हमारा एक्सट्रीम लेवल है। इसके अगर ऊपर जाता है मार्केट तो मतलब वहाँ पे अब हम बैट पैटर्न को यूज़ नहीं करेंगे, या 38 के नीचे से ही रिवर्स हो जाता है तो फिर वहाँ पे हम बैट पैटर्न को यूज़ नहीं करेंगे। इसके बीच में से कहीं से भी रिवर्स हो तो फिर हम इस पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, बी सी को कम्प्लीट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा बी सी ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एक्स ए इम्पल्स ले कम्प्लीट, ए बी हमारा रिट्रेसमेंट किसका, ए एक्स ए का, ये भी कम्प्लीट, बी सी रिट्रेसमेंट किसका, ए बी का, ये भी कम्प्लीट। अब आखिरी और लास्ट पॉइंट क्या है, सी डी। सी डी कितना होना चाहिए, 0.88 होना चाहिए एक्स ए का। तो ये हमारा एक्स ए वाला पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स ए है। इसका जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो 0.88 होना चाहिए, जो कि हमारा सी डी का पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची को यहाँ पे इसका भी कोई यूज़ नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम एक्स ए में फिबोनाची लगाएंगे और 0.88 के लेवल को यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 0.88 का लेवल आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिखेगा, तो आपको इसको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैनुअली ऑन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको 0.88 का लेवल दिख रहा होगा, बट भैया बाय डिफॉल्ट में आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 0.88 का लेवल आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। तो जो हमारा सी का पॉइंट है, ये मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, ये 0.88 के लेवल तक आएगा और यहाँ से फिर अगेन ये ऊपर की साइड रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट निकला, इसको हम क्या बोलते हैं,
सीडी का पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीडी ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, एक्स ए बनाया, ए बी बनाया, बी सी बनाया और सी डी बनाया अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब इस रूल्स को मार्केट फॉलो करेगा और इसके हिसाब से फिर ट्रेड में एंट्री देगा और इसके हिसाब से फिर ट्रेड में एग्जिट देगा। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बट वो समझने से पहले एक बार आप लोग मुझे ये चीज़ क्लियर कर दो कि अभी जो मैंने आपको नॉर्मली वर्बली समझाया, रफली समझाया, ये सब लोगों को क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? क्लियर हुआ सब लोगों को ये चीज़? यस, हो गया, हो गया सर। बोलिए, कुछ बोल रहे थे? क्लियर हो गया सर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसका एग्जैक्टली एक रियल एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि आपको वो चीज और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मान लो कि ये हमारा जो है ना डॉ जोन का चार्ट है, ओके, और इसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, इसका टाइम फ्रेम कोई फिक्स नहीं है। अब जब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होगा, इसका रूल्स मार्केट में मैच करने चाहिए। अब अगर मार्केट में रूल्स मैच ही नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे लिए बना ही नहीं है, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट क्या, हमारे रूल्स मैच करने चाहिए। अब रूल्स कैसे मैच करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्स ए, जो कि आपका क्या होगा, इम्पल्स लेव होगा। तो मैं इसको प्रॉपर एक इम्पल्स कंसिडर कर रहा हूँ, जहाँ से ये मार्केट क्या हुआ, लो का पॉइंट बनाया और ये मार्केट का एक हाई पॉइंट बनाया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इम्पल्स है, और इम्पल्स का हमने यहाँ पे नाम क्या दिया, एक्स का पॉइंट और ए का पॉइंट, ओके। तो एक्स से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इम्पल्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या हमारा ए बी, वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 38, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50। तो अब अगर ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका रिट्रेसमेंट मैक्सिमम 50 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम करेंगे जो हमारा लो पॉइंट है वहां से टॉप पे फिबोनाची को लगाकर। जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये येलो वाला लाइन 0.8 का है और 0.5 ये ग्रीन वाला लाइन है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया ऊपर की साइड। इट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पे ए बी का कॉन्सेप्ट है वो भी अकॉर्डिंग टू रूल फुलफिल हो रहा है। तो एक्स ए इम्पल्स लेग, ए बी हमारा रिट्रेसमेंट किसका, एक्स ए का, ये भी ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब हमारा यहाँ पे ए बी कम्प्लीट हो गया, उसके बाद अब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, बी सी, ठीक है। तो ये हमारा बी कम्प्लीट है, ये हमारा सी बनेगा। तो अब बी सी कितना होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन है 38 to 88, यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि ये मिनिमम कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे 0.88 के लेवल को टच किया। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 88 को भी टच करके आता तो भी वही बात होता, 50 को टच करके आता तो भी वही बात होता, ठीक है। इसको टच करके आता तो भी वही बात होता, 88 को टच करके आता तो भी वही बात है। 88 के ऊपर जाता तो फिर हमारे को यहाँ पे सोचना पड़ता, फिर वो पैटर्न हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स ए हमारा इम्पल्स लेग, ये लो, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स ए इम्पल्स लेग हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, वन सेकेंड, ठीक है, ये हमारा क्या है, मान लो एक्स ए का पॉइंट है, ये हमारा ए बी का पॉइंट है, अब ये हमारा बी सी का पॉइंट है, और ये एग्जैक्टली 0.88 के लेवल को टच करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो मतलब ये भी हमारे लेवल्स क्या है, एप्लीकेबल है। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, सी डी होगा। अब सी डी कितना होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट पॉइंट मेंशन है, सी डी हमारा होना चाहिए 0.88 ऑफ एक्स ए। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको यहाँ पे लगा के भी दिखाया था कि ये 0.88 का लेवल ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एग्जैक्टली चेक करेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसको आप लगाने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इम्पल्स लेग ढूंढ लो किसी भी चार्ट पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इम्पल्स लेग ढूंढूंगा और इम्पल्स लेग जो भी आपने ढूंढा है उसके हाई एंड उसके लो को मार्क कर लीजिए। तो ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट लो पॉइंट है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने लो पॉइंट को मार्क कर लिया और हमने हाई पॉइंट को मार्क कर लिया, और ये हमारा हो गया
एक्स ए का पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारा ए बी होगा, ए बी हमारा कितना होना चाहिए, हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा मिनिमम 38 से लेकर 50 होना चाहिए, और अब जब इसको ध्यान से देखो तो ये एक्जैक्टली 50% के लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, एक्स ए कम्प्लीट, ए बी कम्प्लीट, फिर बी सी बनेगा, तो बी सी कितना होना चाहिए, वो मिनिमम 38 से लेकर 88 के लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये एक्जैक्टली 88 के लेवल को यहाँ से टच किया, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट नीचे आए, तो ये लेवल्स भी यहाँ पे क्या है, अप्लीकेबल है। उसके बाद हमारा सी डी होना चाहिए 0.88 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। तो हम क्या करेंगे, एक्स से लेकर ए तक में फिबोनाची लगाएंगे और चेक करेंगे ये 0.88 के लेवल को टच कर रहा है या नहीं कर रहा। जब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट एक्जैक्टली 0.88 के लेवल को यहाँ पे टच किया है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अभी हमने यहाँ पे बस नॉर्मली रफली लगा लगा कर ये चेक किया कि क्या इस मार्केट में डॉजर में डेली टाइम फ्रेम पे बैट पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब अगर ये बैट पैटर्न बन चुका है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका एग्जैक्ट रिएक्शन क्या आता है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारे को टूल भी मिलता है, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आपको वो सारे टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। साइफर है, हेड एंड शोल्डर है, ए बी सी डी पैटर्न है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स ए बी सी डी पैटर्न को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर हमारे को एक्स ए बी सी डी पैटर्न यूज़ करना, तो सबसे पहले आपको इम्पल्स लेग में लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्स का पॉइंट है, ये हमारा ए का पॉइंट है, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक्स ए बना दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी, अब ए बी हमारा कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 और मैक्सिमम 50। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, वो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही कर रहा है। तो यहाँ पे एक्जैक्टली 0.5 का लेवल आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल है। अब बी सी कितना होना चाहिए, 0.88, जो कि आपने, आप लोगों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई भी था, देखो यहाँ पे 0.88 का लेवल भी ऑलरेडी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, सी डी, सी डी हमारा कितना होना चाहिए, 0.88 का लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक्जैक्टली जब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, 0.88 का लेवल ऑलरेडी हो चुका है। अब जहाँ पे हमारा सी डी कम्प्लीट हो जाएगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जोन मार्क करेंगे, ठीक है। और इसी जोन को हम लोग बोलते हैं पी आर जेड, और पी आर जेड का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, ठीक है। अब जब मार्केट को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ से मार्केट गिरना क्या हुआ, नीचे की तरफ स्टार्ट हुआ, पहले मार्केट डाउन, फिर गैप डाउन, फिर डाउन, फिर मार्केट गैप डाउन, फिर डाउन। तो यहाँ पे जब तीन कंडीशन इस तरीके से मार्केट में बनता है, तो फिर यहाँ पे आपको बॉटम पे बाई करने में आपकी हालत खत्म हो जाएगी, आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। वही यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि हम लोगों को हमेशा बॉटम पे बाई करना है और टॉप पे हम लोगों को क्या करना है, सेल करना है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा ड्राइंग को एग्जैक्टली उसी तरीके से ड्रॉ कर दिया जैसा हम लोगों को यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे पी आर जेड प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ, और पी आर जेड का सिंपल सा मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से मार्केट क्या करता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा दिया हूँ, अभी इसका मैं आपको टूल भी दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको एक बार टूल दिखा दिया हूँ, बट फिर से मैं दिखा देता हूँ वन सेकेंड। ठीक है, एक्स ए हमारा कंप्लीट हो गया जो कि 50% है, ए बी हमारा यहाँ पे कंप्लीट है एक्स ए का 50%, बी सी हमारा 88, सी डी हमारा 0.88, जो हमारा सारा लेवल्स को ऑलरेडी ये मार्केट क्या कर रहा है, फिट कर रहा है। जब ये सारे लेवल्स को मार्केट फिट करेगा, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री पॉइंट हमारा कौन सा होगा, एंट्री पॉइंट डी होगा, ठीक है। डी किधर दिख रहा है, डी आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, ओके। अब डी एंट्री आपने कर लिया, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टॉप लॉस हमारे डी के नीचे होगा अगर बुलिश है, तो डी के ऊपर होगा अगर हमारा बेरिश है। तो अब टारगेट वन पॉइंट यहाँ पे क्या है, टारगेट वन आपका पॉइंट सी होगा, टारगेट टू क्या, पॉइंट सी है, टारगेट वन पॉइंट बी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसको मार्क कर दूंगा, तो जो पॉइंट बी है वो आपका टारगेट वन है, और जो आपका पॉइंट सी है वो आपका टारगेट टू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पैटर्न को लगाया, पैटर्न को अच्छे से आपको समझाया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना एक नॉर्मल सा, जब आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका एंट्री पॉइंट है। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा सा इस बिल के नीचे यहाँ पे, सॉरी एक्स के नीचे आप यहाँ पे रख सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका ये वाला लेवल, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, फर्स्ट पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली 436 पॉइंट का है, और जो आपका फर्स्ट टारगेट है वो क्या है, 1150 पॉइंट का, और मार्केट ने इस टारगेट को प्रॉपर तरीके से
फुल किया है। उसके बाद जो हमारा दूसरा टारगेट आता है, आप देखोगे तो मार्केट ने क्या करा, इस टारगेट को भी प्रॉपर तरीके से फिल किया है। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, क्यों, क्योंकि ये हमारा पहला टारगेट था पॉइंट बी और दूसरा टारगेट था पॉइंट सी, जो कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये हमारा क्या है, टारगेट वन है और टारगेट टू है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हार्मोनिक पैटर्न ड्रॉ होता है, जहाँ पे हमारे को वो सारे लेबल्स ऐड करके देखने होते हैं कि हाँ यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है। अब जो पैटर्न वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके हिसाब से फिर हम वहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें अगर आपके आप कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। यस सर, मेरा डाउट है। बोलिए। चार्ट आप फिर से एक बार लगाइए क्या, डाउट वाला। बस मुझे ये पूछना है कि जो आपने एक्स पॉइंट लिया है, आपने इंपल्स का लो लिया है, तो जो एक और इंपल्स का लो दिख रहा है रेड और ग्रीन कैंडल जहाँ पे, वो वाला क्यों नहीं लेते, ये वाला क्यों लिया है? किसी को भी आप ले सकते हो, जहाँ से आपके लेबल्स मैच करेंगे आप उस पॉइंट को पहले प्रेफरेंस दोगे। अब अगर इस लो को मैं कंसिडर करूंगा, लो ये भी है, अगर मैं इस लो को कंसिडर करूंगा तो फिर ये हमारा ये लेवल्स तो काम कर सकते हैं, ये भी लेवल्स काम कर सकते हैं, बट 88 का लेवल फिर हमारे पास नहीं आएगा। और जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी यहाँ से लोअर लो नहीं बन रहा, मतलब जो हमारा लो पॉइंट बना फिर इसके ऊपर बना, तो ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर इसके बाद जो बना ये हमारा इसके भी ऊपर लो है, जो प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहा, तो जो हमारा सबसे हाई के बाद जो सबसे नियरेस्ट लो दिख रहा हम उस लो को कंसिडर करेंगे, ताकि हमारा जो लेबल्स हैं वो एग्जैक्टली मैच कर जाए, और इसी लेवल से आपका मैच करेगा। अब अगर मान लो इसके ऊपर हमारा यहाँ कहीं पे लो होता, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आता, तो मैं उस लो को कंसिडर करता, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लो है, तो हम इस लो को कंसिडर करके यहाँ पे लेवल्स मार्क करेंगे। आप इस लो को भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर इस लो को कंसिडर करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि 88 का लेवल हमारा आएगा यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो जब हमारा 88 का लेवल यहाँ पे आएगा ना, तो इट मीन्स कि जो हमारा प्रीवियस लो है वो ब्रेक हो रहा है नीचे की साइड, जो कि मार्केट का ट्रेंड अभी वो नहीं है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है ना, तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो जो हमारा सबसे प्रीवियस लो है उसको लेंगे, क्योंकि जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा और जो न्यू लो बनेगा ना, ये इसके ऊपर ही बनेगा एनी हाउ, 88 का लेवल वहाँ पे आएगा। तो जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे ना ऑन डेली बेसिस, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हम इस लो को क्यों कंसिडर कर रहे हैं और इस लो को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा जी सर, समझ गए। इसके अलावा और किन का डाउट है बताइए। सर एक डाउट मेरा है, सर मुझे ये टारगेट कैसे सेट किया ये समझ नहीं आया। कौन सा टारगेट? जैसे आपने टारगेट वन टारगेट टू सेट किया ना, मुझे वो समझ नहीं आया कि कैसे आपने करा है। देखो यहाँ पे टारगेट ऑलरेडी रूल्स में मैंने मेंशन कर रखा है, टारगेट वन जो है ना वो आपका पॉइंट बी है और टारगेट टू जो है ना वो आपका पॉइंट सी है। तो जब आप पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो ये आपका पॉइंट बी था और ये आपका पॉइंट सी था, और यहाँ पे आपकी एंट्री है पॉइंट डी पे, तो यहाँ से आपका रिवर्सल ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि पीआरजेड का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से हाँ जहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ऊपर की साइड, तो जो ऊपर की साइड जाएगा तो फर्स्ट टारगेट ये आपका पॉइंट बी रहेगा, और ऊपर जाता है तो सेकेंड टारगेट आपका पॉइंट सी रहेगा। इस तरीके से ये टारगेट मैंने यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? सर बोलो। मैं पूछ रहा था, अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम अगर एंट्री कर रहे हैं तो फिर 88 का लेवल है वो तो पीक हो रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे तो हम चार्ट लगा ही नहीं रहे ना। हमने यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम पे लगाया, डेली टाइम फ्रेम पे लगाया। ठीक है, तो हमारे को फिर डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देना। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप आवरली टाइम फ्रेम के कैंडल्स को देख रहे हो, और ये अगर ब्रेक भी हो रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो भी यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस एक्स पॉइंट के नीचे होगा, तो या तो यहाँ से नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस कटेगा, और या नहीं तो रिवर्स होगा तो आपका टारगेट जाएगा, तो वो ब्रेक हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना ही करना है, जब सारे लेवल्स को उसने फॉलो कर दिया तो। वीक से अगर ब्रेक हो रहा है तो चल जाएगा सर, और क्या, सब चलेगा। अब सर क्रूड का एक बार चार्ट ओपन करना, एक मिनट रुक जाइए, पहले इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कोई दूसरा चार्ट ओपन करेंगे। समझ में आया सब लोगों को हार्मोनिक पैटर्न्स, बैड पैटर्न क्लियर हुआ? किसी का कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, मे भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो डाउट जो है पूछ लीजिए, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे आज जाकर डेली 10-20 चार्ट पे बैड पैटर्न को लगाना और उसका स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेजना, फिर मैं चेक करूंगा सही है गलत है, तो फिर उसमें आपको डाउट्स आएंगे जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे तब। अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर आपको इसके डाउट आने ही वाले नहीं है, आपको समझ ही नहीं आएगा कोई भी चीज़ें। सर जब हम ऑप्शंस में डेली बैंक निफ्टी वगैरह का चार्ट में अप्लाई करेंगे
तो मतलब हमें प्रीवियस कितना लोअर लो देखना पड़ेगा? इसका कोई फिक्स नहीं होता, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से आप प्रीवियस ले लो जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्लीज म्यूट कर लीजिए बाकी लोग जो बोल नहीं रहे हैं। क्या कहा सर? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी आपका चार्ट है, जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर रहे हो, आपको डिस्प्ले पे जितना चार्ट दिख रहा है आप उस हिसाब से वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार करो। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट और 15 मिनट पे एंट्री करोगे तो वहाँ पे आप आवरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, उसके हाई एंड लो को मार्क करो और उसके हिसाब से फिर आप वहाँ पे हारमोनी के पैटर्न को लगाओ। ठीक है? ठीक है सर। इसके अलावा और बताओ और क्या डाउट है कि नहीं, कोई डाउट? सर इंडेक्स में काम करेगा क्या? नहीं करेगा, हर जगह काम करेगा सर। सर ये समझ में नहीं आया कि आवरली और 15 मिनट्स में आपने कहा कि पैटर्न बनाने को दो। क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलो एक बार। सर अभी प्रियंका जी का जो आपने रिप्लाई किया ना कि आवरली और 15 मिनट्स में लगाने के लिए, तो ये समझ में नहीं आया सर, एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेड मतलब क्या होता है कि आज बाई करके आज सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा अगर हम डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स को देखेंगे तो एक ही कैंडल बनेगा, आवरली टाइम फ्रेम के कैंडल्स को देखेंगे तो 3-4-5 कैंडल्स बनेंगे, तो वहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडल्स को देखकर फिर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। तो जब हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे हम कैंडल्स 5 मिनट और 15 मिनट का ही सिर्फ देख रहे हैं, कैंडल्स को ध्यान से समझना, सिर्फ कैंडल्स को देख रहे हैं 5 मिनट और 15 मिनट का, तो वहाँ पे जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे या जो भी हमारा हाई है और जो लो है हम जो मार्क करेंगे वो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले करेंगे। आफ्टर डेट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब वो सपोर्ट पे आएगा तो हम वहाँ पे एंट्री करेंगे, जब रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो हम वहाँ पे उसको सेल करेंगे। इसका मतलब है कि सर ये 5 मिनट्स में हम एंट्री करेंगे मार्किंग के बाद? करेक्ट, डेली टाइम आवरली टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे और जो हम कैंडल्स देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। जब सपोर्ट पे मार्केट आया वहाँ पे हमारे को बुलिश कैंडल देखना है, अब वो हैमर हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक हो सकता है, जो भी हमारे को वहाँ पे बुलिश कैंडल दिखेगा हम वहाँ पे सपोर्ट पे बाई करेंगे और सेम ये हार्मोनिक पैटर्न के साथ अप्लाई भी होता है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या डाउट है? सर मैं ये कह रहा था क्रूड का चार्ट से। अमित जी अभी हम टॉपिक से भटक जाएंगे अगर मैं क्रूड का चार्ट खोलूंगा तो, अभी यहाँ पे जो टॉपिक समझ रहे पहले उसको क्लियर करते हैं एक बार। ठीक है, बताइए सुनील जी आपका क्या डाउट है? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा एक बार लाउड बोलेंगे आप? हाँ आपके पॉइंट को मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा लाउड बोलो प्लीज। सर ये जो फिबोनाची लेवल्स जो होते हैं 0.38 और 0.88 वाले, हाँ इनमें कोई प्रीडम होती है ऊपर नीचे करने की फिबोनाची लेवल्स के? नहीं, वो बाय डिफॉल्ट वही लेवल है, उसको आपको कोई चेंजेस नहीं करने। जो 38 दिख रहे हैं जो क्या जैसे ऊपर नीचे कुछ कैंडल बन दिए गए 0.86 0.9 चले 0.92 तक कैंडल, तो वहां से भी मान सकते हैं? हां बिल्कुल, आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 88 पे ही दिखने चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हमारा 0.88 के लेवल पे आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर रहे हो ना, जैसे मार्केट 0.88 के लेवल को टच करे इस जगह पे, तो आप यहाँ से फिर कहीं पे भी एंट्री कर सकते हो अगर आपको थोड़ा भी रिजेक्शन दिखता है तो। ओके, जब आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लियो तो अब आप स्टॉप लॉस अपना एक्स पॉइंट के नीचे रख दो। ठीक है, अब जब आपने स्टॉप लॉस अपना एक्स पॉइंट के नीचे रख दिया तो अब क्या होगा, दो ही चीज़, या तो मार्केट यहाँ से लगातार नीचे आके स्टॉप लॉस को हिट करेगा और या नहीं तो यहाँ से रिवर्स करके आपके टारगेट को हिट करेगा, दो चीज़ के अलावा मार्केट कुछ नहीं कर सकता। तो बस आपको जब कभी मार्केट 88 पे दिखे, थोड़ा नीचे की तरफ भी आ जाए, तो भी आप यहाँ पे एंट्री कर लो, बट यहाँ पे कैंडल्स को देखना छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आवरली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स को देखो, एग्जैक्टली वहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो कैंडल्स को देखो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बॉटम से जो है ना रिजेक्शन मिल रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे बायर तो थोड़े से दिख रहे हैं। अब जब वहाँ पे आपको बायर दिखेंगे तो फिर आप वहाँ पे उसको बाय सेल कर सकते हो इजिली। ठीक है, क्या
एसएल आपका सर इसका लो नहीं रखना है, स्टॉप लॉस आपका एक्स के नीचे ही रखना है। कभी कभी मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल को भी टच करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ से रिवर्स होगा। तो आप अपना स्टॉप लॉस एक्स के नीचे ही रखो, एक्स के ऊपर रखोगे तो वो स्पाइक मारेगा और वहां से फिर आपका स्टॉप लॉस काट के ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपको स्टॉप लॉस से बचना है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस एक्स पॉइंट के नीचे रखो थोड़ा, ठीक है। अगर मान लो एक्स का आपका लेवल है 100 का ना, तो आप स्टॉप लॉस अपना डालो वहां पे 98 का, जो कि आपका एक परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, एक दीजिए, बोलिए। हेलो सर, इसमें क्रैक पैटर्न और कैंडल का डिफरेंस क्या है? अगर ये गोल्ड से सारे मोटा-मोटा एक ही सारे क्रैक के और डीप क्रैक के, नहीं सारे पैटर्न कॉन्सेप्ट सेम है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, लगाने का तरीका सेम है, बट लेवल्स अलग अलग होंगे। तो एक बार में मार्केट क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ, कभी वो 50% से यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, कभी वो 61 से होगा, कभी वो 78 से होगा, कभी वो सिर्फ 38 से रिवर्स होगा। ये जो आप बीसी देख रहे हो वो 88 से हो रहा है, वो कभी हो सकता है सिर्फ 50% से ही रिवर्स हो जाए। ये जो आप सीडी देख रहे हो जो कि 88 से रिवर्स हो रहा है, वो कभी 1.13 से भी रिवर्स हो सकता है, या हो सकता है 78 से ही रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे सारे लेबल्स यहाँ पे, ये सात पैटर्न जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया थोड़ी देर पहले, ये सातों पैटर्न्स के रूल्स डिफरेंट डिफरेंट है, और सारे पैटर्न्स के रूल्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब मार्केट में आप ट्रेड करने जाओगे तो अगर बैट नहीं बनेगा तो गाटली बन जाएगा, गाटली नहीं बना साइफर बन जाएगा, साइफर नहीं तो क्रैप बनेगा। मतलब कोई एक ना एक पैटर्न तो आपको दिख जाएगा मार्केट में, फिर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। सारे के रूल्स डिफरेंट है, ऐसा मत सोचो कि रूल्स सेम है, लगाने का तरीका सेम है, बस रूल्स अलग अलग है। ओके आप अगर कुछ यूज कर रहे हो ना, तो आप प्लीज उसको निकाल लो, या हेडफोन वगैरह यूज कर रहे हो तो निकाल लो, थोड़ा लाउड बोलो, आपकी आवाज मुझे बहुत मुश्किल से समझ में आ रही है। और यानी तो आप एक काम करो, अपना डाउट को चैट बॉक्स में लिख दो, मैं रीड करके आपका रिप्लाई कर दूंगा, बेटर रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी। प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर एक सवाल है सर, बोलिए सर। चार्ट ओपन करना, अभी जो चार्ट पे थे आप सर, सर यहाँ पे आपने डेली टाइम फ्रेम में आपने PRZ लगाया है सर, तो ये सर आवरली में जा करके यहाँ पे रिजेक्शन एक बार दिखाना सर, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगी बात। यस सर, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेना पड़ेगा आवरली में जा करके सर? देखो आवरली में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप जा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप यहाँ पे आए हो आवोले टाइम फ्रेम पे, तो ये जो कैंडल्स आपको दिख रहा है, इस कैंडल, इसको कौन सा कैंडल बोलते हैं पता है आपको? यस सर। कौन सा कैंडल है ये? कौन सा सर? ये जो रेड वाला कैंडल आपको दिख रहा है एग्जैक्टली, ये कौन सा कैंडल है? इन्वर्टेड हैमर। ये कहाँ पे बन रहा? ये सपोर्ट में बन रहा है सर। सपोर्ट पे बन रहा। और इसके बाद का कैंडल कौन से कलर का है? सर ग्रीन कलर का। मैंने कैंडलस्टिक वाला जो लेक्चर दिखाया था, वो आपने देखा है कभी? लेक्चर मैंने लिया था कैंडलस्टिक्स के बेस पे। नहीं अभी नहीं देखा है सर। ठीक है, पास्ट के लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि मार्केट में हम कोई भी कैंडल्स पे तब ट्रेड करेंगे जब वो हमारे कंडीशंस को फुलफिल करेगा। और कंडीशंस ये होता है कि अगर हम बुलिश कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो सपोर्ट पे बनना चाहिए, सबसे पहले तो मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए, दूसरा वो सपोर्ट पे बनना चाहिए, और तीसरा रूल मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसके बाद का कैंडल ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ये फर्स्ट रूल यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, दूसरा ये सपोर्ट पे ही बन रहा है, ये भी कंप्लीट हो गया, तीसरा इसके बाद का कैंडल ग्रीन कलर का क्लोजिंग भी दे रहा, तो तीनों रूल्स को यहाँ पे मार्केट ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फॉलो कर दिया। तो जब आप ये पूरा कंफर्मेशन ले लो, फिर यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री कर दो और स्टॉप लॉस इसके नीचे डाल दो, और ऐसे आप 10 ट्रेड करो, 10 में से 6 से 7 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे। ओके सर, थैंक यू, यही समझना था सर। ओके, ये चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है पास्ट के लेक्चर्स में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पास्ट का लेक्चर्स प्लीज देखना, तभी आपको सारी चीजों की क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि मैं पूरा 0 से स्टार्ट करता हूँ और 100% तक इसलिए ले जाता हूँ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बीच में डाउट्स आते हैं वो इस वजह से आते हैं
क्योंकि हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं लिया पहले का, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए, और सारे को मैं यूट्यूब पे इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोग फिर बाद में जाकर देखो उसको, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किन्नी का और कोई डाउट? एनी वन हैव एनी डाउट? नो सर, समझ में आया सब लोगों को क्या? अमोल जी आप हैंड रेज करे हुए, आपको कोई डाउट है? अगर किन्हीं का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं है तो बोल दीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा बैट पैटर्न, ठीक है। बैट पैटर्न मैंने आपको बताया, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखाए, मैंने आपको सारा टॉपिक भी दिखाया, डेली पे लगाया, फिर आवर्ली पे रिजेक्शन भी दिखाया, एंट्री कैसे करते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारा आएगा गार्टली पैटर्न। अब गार्टली पैटर्न के रूल्स अलग है एज कम्पेयर बैट पैटर्न के, लगाने का तरीका सेम होगा बट गार्टली पैटर्न के रूल्स डिफरेंट होंगे। तो मैं कल आपको गार्टली पैटर्न सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली एक गार्टली पैटर्न किस तरीके से काम करता है और उसके क्या रूल्स होते हैं और कैसे हम वहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। सर निफ्टी और बैंक निफ्टी में टाइम फ्रेम क्या होगा? डिपेंड करता है सनवर जी, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ कीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ आवरली पे ही काम करेगा, डेली पे नहीं करेगा, या सिर्फ 15 मिनट पे करेगा और आवरली पे नहीं करेगा। किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, आपकी मर्जी है, बस हाई लो सही रखना और जो पॉइंट है, जो लेबल्स है वो सही रखना। सर सेम चार्ट 15 मिनट पे लगा के दिखाओ, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करो। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जब कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं उतने छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊँगा। अगर मैंने डेली लगाया तो मैं एक टाइम फ्रेम छोटा आवरली पे जा सकता हूँ। अब बोलोगे कि मैंने डेली पे लगाया 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखाओ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे इतने सारे कैंडल्स बन जाएंगे कि वो मुझे पता ही नहीं चलेगा कोई भी चीज़ें। आपके लिए अगर मैं कर भी दूँ तो आप देखो आपको समझ में ही नहीं आएगा कोई भी चीज़ें। अब अगर इसको मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चेंज ही कर दूंगा तो फिर आपको लेबल्स ही नहीं दिखेंगे यहाँ पे। अब देखो कितने सारे कैंडल्स बनने लगे, क्योंकि अब यहाँ पे अगर 15 मिनट कर रहे हैं इट मीन्स कि यहाँ पे एक कैंडल 15 मिनट का बन रहा है ना, बट हमने चार्ट तो डेली टाइम फ्रेम पे लगाया। देखो जो जोन आपको मैंने मार्क करके दिया था वो कितना छोटा सा जोन था, अब यहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कोई भी चीज़ है। तो इतने छोटे टाइम फ्रेम पे अपने को नहीं जाना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने कैंडल्स यहाँ पे बनने लगे, फिर यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न ढूंढो, फिर उस हिसाब से ट्रेड में एंट्री एग्जिट करो। वो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं करना है। हम अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे लगा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम पे और एक टाइम फ्रेम छोटा आप आवरली पे जा सकते हो रिजेक्शन देखने के लिए कैंडल्स की। अगर रिजेक्शन मिल गया तो फिर आप वहाँ पे आग बंद करके एंट्री कर लीजिए। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है बैट पैटर्न का, ठीक है। सर एक चीज पूछना था कि जो पॉइंट्स के बीच में आपने फिप का लेवल्स दिखाया था जैसे 0.88, वो फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, है ना, लेवल को प्लॉट करने के लिए? हाँ, वो 0.88 का लेवल वहाँ पे ही होना चाहिए जहाँ पे वो एग्जैक्टली आ रहा है, और जब हम चार्ट में 0.88 के लेवल को ऑन करेंगे टाइप करके तो वो एग्जैक्टली यहीं पे ओपन ही होगा, और यहाँ पे भी आपको 0.88 का लेवल ही दिख रहा है। तो ये जो हार्मोनिक का पैटर्न है ये एक्चुअली में फिबोनाची पे ही बेस्ड है। इससे पहले मैंने आपको मैनुअली दिखाया था तो ये 88 ही था, ये भी 88 था, ये 50 था, और एग्जैक्टली जब मैंने आपको हार्मोनिक के टूल्स पैटर्न के टूल लगा दिया तो वो भी आपको यहाँ पे सारे लेबल्स वही दिखाएगा जो पहले मैनुअली मैंने आपको दिखाया था। क्यों? क्योंकि हार्मोनिक के सारे पैटर्न ये क्या है, बेस्ड है उसी पे, फिबोनाची के नंबर्स पे। ओनली ये वन आवर पे ये ऑटोमेटिकली ये उतने ही लेवल पर ही जाके मैच करेगा ये जब हम लोग प्लॉट करेंगे। हाँ, आपको वहाँ पे मैच कराने होंगे। अगर 88 है, अब अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले आऊंगा तो यहाँ पे तो 1.24 लेवल हो गया ना, यहाँ पे हमें इसको रखना ही नहीं है। हमें कहाँ पे रखना है, जहाँ पे 0.88 का लेवल आ रहा वहाँ पे इसको ड्रैग करके छोड़ना है। तो 0.88 का लेवल यहाँ पे आ रहा है ना, तो फिर हम यहाँ पे छोड़ेंगे, और जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है इस लेवल को टच करेगा फिर हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे एक्स के नीचे का अपना स्टॉप लॉस लगा के। अच्छा, ठीक है, सर फिर हमें बैंक निफ्टी में अगर हम ट्रेड करेंगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम देख के ट्रेड करेंगे? मेरी बात को आप लोग समझ नहीं रहे, ये ध्यान से समझना। अभी अब्दुल जी का भी वो सेम क्वेश्चन है। अगर हम टाइम फ्रेम में ये बैट पैटर्न यूज करेंगे तो हम एंट्री एग्जिट कहाँ करेंगे? 5 मिनट के कैंडल्स को देखकर। जरूरी नहीं है कि 5 मिनट का ही कैंडल देखो, अगर आप 15 मिनट पे लगा रहे हो आप 15 मिनट के कैंडल्स को देखकर फिर वहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो। 15 मिनट भी आपको वहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दिख जाएंगे। देखो सबसे पहले अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि जब हम किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे दो ही चीज़ होगा, या तो हमारे स्टॉप लॉस कटेंगे या तो हमारे टारगेट आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
तो जब हम ट्रेड करते हैं ना, किसी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रहे हैं, तो हम सारे कॉन्सेप्ट जब भी हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उस पर क्या करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, बट जहाँ पे रूल्स बोलते हैं वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। अब रूल्स क्या बोलते हैं, 0.88 के लेवल पे एग्जीक्यूट करना। तो 0.88 पे जैसे मार्केट टच करे ना, आप ट्रेड में एंट्री कर दो, और जो रूल्स में स्टॉप लॉस है वो आप अपना वहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर दो। अब आप अपने टारगेट के लिए वहाँ पे वेट करो, जैसे मार्केट टारगेट के पास आएगा अपने प्रॉफिट को वहाँ पे बुक कर लो। जब आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे, 10 बार 12 बार आप इस पर ट्रेड करोगे, और 10 बार 12 बार में 6 बार 8 बार आपको प्रॉफिट होगा, तो आपका कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। मेरे बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद से ट्रेड करोगे उसमें प्रॉफिट होगा तभी आप इसको फॉलो करोगे, नहीं होगा प्रॉफिट आप नहीं करोगे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, आपको जिस टाइम फ्रेम पे यूज करना है आप उस टाइम फ्रेम पे यूज करो। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया डेली टाइम फ्रेम पे, कल मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, हो सके मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जांपल्स दिखाऊं, या वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको कल एग्जांपल्स दिखाऊं। तो 7 पैटर्न्स है ना, तो मैं 7ों पैटर्न्स का ट्राई करूंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एग्जांपल्स दिखाने की, तब जाकर वो आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो आज मैंने डेली पे दिखा दिया, कल मैं आपको किसी और टाइम फ्रेम पे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो कि गार्टली पैटर्न का एग्जांपल होगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, व्हिच इज द टाइम फ्रेम फॉर यूज दिस पैटर्न, सेम क्वेश्चन सेम रिप्लाई, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करो। आप अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो वीकली डेली पे करो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आवरली 15 मिनट पे कर सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो वहाँ पे फिर आप मंथली वीकली देख लो, और वहाँ पे फिर पोजिशन को बाय करो, और वहाँ पे साल 1.5 साल 2 साल तक अपने पोजिशन को होल्ड करो। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, जैसा आप ट्रेड कर रहे हो वैसा। ओके, आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा ये सारे डाउट। और कोई डाउट है? एक सेकेंड, सारे डाउट अभी आप लोगों को क्लियर हो गया, जितने भी लोग हैं क्लास में? यस और नो, प्लीज कंफर्म कीजिए। बोलिए। बोल रहा हूँ सर, मैंने सबके क्वेश्चन सुने, मेरे को एक ही चीज यहाँ पर लगा, सबका एक ही डाउट है कि प्राइस उधर से घूम कैसे सकता है, मेरे को सबका क्वेश्चन समझ के यही समझ में है। फिर वो डीप पॉइंट से घूम कैसे रहा है, इसलिए वो सब क्वेश्चन आ रहा है कि लोअर टाइम फ्रेम पे, वो तो मैंने, वो मेरा वो स्टाइल है कि लोअर टाइम फ्रेम में जाते मैं रिएक्शन कैंडल देखता हूँ, लेकिन अभी कोचिंग सिटीज से भी ड्रॉ करके दिया था ग्रुप में, और जेटेक इंडिया करके है उसका भी दिया था, दोनों में ही बैठ पड़ना है, और जेटेक इंडिया में मैंने आज दिया 1:1 का, वो मेरे को भेजा था ड्रॉ करके दिया था, 1:1 पे आ गया है, और ये भी कोचिंग सीपीआर भी घूम गया है, तो अच्छा न्यूज भी है कोचिंग सीपीआर, मेरे को लगता है ऊपर ही सबका क्वेश्चन यही है कि घूम के लगता है। वो मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहली बार हीरो मोटो कॉर्प में ड्रॉ किया था, ठीक है, मैंने वो तभी उसका प्राइस चल रहा था 2500 रुपए करके चल रहा था शेयर का प्राइस, ठीक है, तो मैंने 5000 लगाया था, मैंने 2 स्टॉक लिया देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए वीकली में लगाया था नीचे की तरफ। हाँ हाँ पता है मुझे, आप बोलो अपना, आप एक्सपीरियंस बताओ, वो ऑलरेडी ये वाला। तो आपको पहले मतलब होता है ना कि बिलीव होना चाहिए कि ये काम करेगा, यहाँ पर मैंने 2 लिया था, ठीक है, मेरे को देखिए कितना जल्दी मेरे को टारगेट वन मिल गया था, 10% मिल गया, मैंने लेके छोड़ दिया, अब उसके बाद देखिए स्टॉक कहाँ पे गया, और यहाँ पे जो रूल्स है वो बैड पैटर्न के ही फॉलो कर रहे हैं, और ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैं लगा रखा हूँ, और वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देखोगे तो बॉटम पे हैमर कैंडल स्टिक भी मिला, एक्जेक्टली पीआरजेड जोन में आपका ट्रेड में एंट्री होगा, एक्स के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और फर्स्ट टारगेट आपका पॉइंट भी है, और सेकंड टारगेट है आपका पॉइंट सी, और ये चार्ट देखो जनवरी फरवरी मार्च 2023 का है, आज से 1 साल पहले का, और इससे आज से 1 साल पहले जो मैं बैच लिया था ना उसमें ये मैंने दिखाया था सबसे पहले, ठीक है, आई होप आप लोगों को याद भी होगा। तो इस हिसाब से देखोगे तो ये पूरा का पूरा टारगेट दिया, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे फिर यहाँ से ऊपर गया, तो आप इसको ट्रेल करो कुछ भी करो वो आपका कॉन्सेप्ट है, बट कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ तक आपका टारगेट था, तो इस स्टॉक में आपको 28% का रिटर्न मिला था, ठीक है। आप देखोगे तो कितने दिनों में आपकी एंट्री बनी होगी, 27 मार्च को, और टारगेट आपका यहाँ पे आ गया था 29 मई को, विद इन अ मंथ आपका यहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट हो गया था। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी एक पैटर्न मैंने लगा रखा है टॉप पे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है आप देखोगे तो, अभी ये रनिंग में है, ये ABCD पैटर्न है, ठीक
ठीक है, ए बी सी डी ऑलरेडी यहाँ से ये रिवर्स हो चुका है गोल्डन जोन से, अभी इसको ब्रेक कर दिया तो अब ये डी तक जाएगा जो कि यहाँ पे कौन सा लेवल है 6435 का, और फिर यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा रिवर्सल होगा तो फिर यहाँ पे मुझे कोई दूसरा पैटर्न दिखेगा तो फिर मैं उस पैटर्न को ड्रॉ करूँगा और उस हिसाब से फिर यहाँ पे ट्रेड में एंटर एंड एग्जिट हो सकता है। तो ये भी पैटर्न है ए बी सी डी पैटर्न, बट ये बहुत सिंपल है आप देख सकते हो, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा भी रखा है। ठीक है, ये हमारा इम्पल्स है रिट्रेसमेंट, गोल्डन जोन से रिवर्स होगा, फिर यहाँ से ये रिवर्स हो रहा है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी इसका जो करंट टारगेट है वो 6435 है, और इसकी एंट्री कहाँ पे बनी है, एंट्री बनी है 5000 पे, 5000 से ये स्टॉक आ गया है 6190 पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काम करेगा, बट इंपॉर्टेंट है आपको इस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा। जब तक आपको इस पर ट्रस्ट नहीं होगा आप इस पर कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बार आपको इस पर ट्रस्ट हो गया तो फिर आप सारे स्ट्रेटेजी को भूल जाओगे। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को, बोलिए उमेश जी क्या बोल रहे हैं। और एक छोटा सा बात बोल रहा हूँ, ये जो जो हार्मोनिक आप लोग सीख रहे हो इसके साथ कोई इंडिकेटर को मिक्स मत करना, ठीक है, नहीं तो सारा जिंदगी कंफ्यूज होते रहोगे, कब भी ट्रेड में एंट्री नहीं होगा। ठीक है, वो जितना इंडिकेटर है सब डिलीट कर दो अपने चार्ट पे, अगर हार्मोनिक सीखना है, नहीं तो कभी एंट्री आपको नहीं होगा। करेक्ट, ठीक है, इसलिए मैं भी आप लोगों को हमेशा बोला कि इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करना, जो है आप प्योर प्राइस सेक्शन को स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और इस पर ट्रेड करो, सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी लंबा आज का हमारा लेक्चर चल गया, कोई बात नहीं है, आई होप आप लोगों के डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो सर इसको हम बुलिश पैटर्न कह सकते हैं? हाँ, ये बुलिश भी होंगे बेयरिश भी होंगे, मैं आपको बेयरिश पैटर्न के भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ठीक है सर, बैट तो बुलिश ही हुआ ना, बैट जो मैंने अभी आपको दिखाया वो बुलिश पैटर्न था, बट वो सेम बैट बेयरिश भी बनेगा, ऐसा नहीं है, मैं उसके एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इस जितने पैटर्न्स मैंने अभी आपको बताया, सात हार्मोनिक के पैटर्न्स, सातों हार्मोनिक के पैटर्न्स एक बुलिश होंगे और एक बेयरिश होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी पैटर्न सिर्फ बुलिश होगा या कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो सिर्फ बेयरिश होगा, सारे के सारे पैटर्न्स बुलिश भी होंगे, सारे के सारे पैटर्न्स बेयरिश भी होंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर, ठीक है, ओके गाइस, तो आज के सेशन को, और कोई डाउट है? सब मार्केट पे काम करता है क्या सर? हाँ, करेंसी क्रिप्टो में सब जगह काम करता है, सब जगह काम करता है सारे मार्केट में। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके 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 गाइस, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। थैंक यू।